Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Happy New Year students. आप सबको नया साल मुबारक हो. वीडियो देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए. अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th स्टूडेंट्स. तो इन फिक्स 6.19 स्टूडेंट, इसमें क्या है, DE पैरेलल दिया गया है AC के, और DF जो है वो पैरेलल दिया है AE के. तो इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में हम ये देखेंगे. देखिए BE और DE और AC ये दिया है, DE पैरेलल AC, DE AC के पैरेलल है. तो ये स्टूडेंट्स पूरा ट्रायंगल आएगा ABC. देखिए DE यहाँ से यहाँ तक है और AC आपकी ये दी गई है. तो हम इसमें लेंगे इन ट्रायंगल ABC. तो इस ट्रायंगल में स्टूडेंट्स DE, ध्यान से देखिए D कहाँ कट कर रहा है, ये AB पर D, और E जो है वो यहाँ इस पॉइंट पर कट कर रहा है. तो स्टूडेंट्स यहाँ से आएगा हमारा, क्योंकि हमें जिस हिसाब से शो करना है उसी के अकॉर्डिंग लेना है. तो स्टूडेंट यहाँ से हम चलेंगे, इसमें ये हो जाएगा कि AD अपॉन DB इस तरीके से, या यहाँ से ले लीजिए चलिए BD अपॉन AD इक्वल टू, ये हो जाएगा BE अपॉन EC. इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और बाय थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी स्टूडेंट इसको बोलते हैं. तो ये थेल्स के नाम पर है, इसलिए थेल्स थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब स्टूडेंट्स हमें ये दिया गया है कि डी एफ पैरेलल ए ई. अब ये है डी एफ, देखिए स्टूडेंट्स ये है डी एफ पैरेलल है ए ई के. तो हमें लेना है इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई. अब स्टूडेंट्स डी एफ तो ये हमारा सेम रहेगा, देखिए डी तो डी पहले भी था, यहाँ पर हमने ई डी जब पहले ली थी तब भी ये पॉइंट डी था, बस अंतर यहाँ पर आ गया कि ये यहाँ पे पॉइंट एफ होगा. तो अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू, ये हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई, ये सेकंड इक्वेशन होगा स्टूडेंट, सेम रीजन है बाय थेल्स थ्योरम. अब स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों पार्ट हैं, ये दोनों सेम हैं, तो इसलिए ये दोनों भी सेम होंगे स्टूडेंट्स. तो ये आ जाएगा हमारा बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन BF अपॉन एफ ई. अब स्टूडेंट देखिए ये हमें प्रूफ करना था कि BF अपॉन एफ ई इज इक्वल टू BE अपॉन ई सी, तो ये आ गया स्टूडेंट, बस साइड में डिफरेंस है. तो ये हो गया हैंस प्रूफ्ड, तो ये जो हमें प्रूफ करना था इसको हमने प्रूफ कर दिया. अब स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है इन फिक्स 6.20 DE पैरेलल OQ. अब ये स्टूडेंट्स दी गई है DE और ये इसके पैरेलल है, और इसके बाद ये दिया है कि DF पैरेलल है OR के. तो स्टूडेंट इस ट्रायंगल में पहले हम ले लेंगे इन ट्रायंगल PQO, ये हो जाएगा स्टूडेंट इन ट्रायंगल पी ओ क्यू डी ई पैरेलल ओ क्यू. तो अब स्टूडेंट्स ये लाइन पैरेलल है तो हम इसमें
थेज थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स के पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ये हो गया स्टूडेंट बाई थेज थ्योरम। अब इसी तरीके से हम ले लेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर में क्या है स्टूडेंट्स, इसमें दिया है डी एफ पैरेलल ओ आर। अब स्टूडेंट जब डी एफ पैरेलल ओ आर दिया है तो इसमें भी हो जाएगा कि पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ये सेकंड क्वेश्चन होगा, इसमें भी सेम रीजन होगा बाई थेज थ्योरम। तो अब जी हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड स्टूडेंट। अब देखिए ये दोनों सेम हैं तो ये दोनों भी सेम होंगे। तो ये हो जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो अब देखिए स्टूडेंट पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। सो ई एफ पैरेलल क्यू आर, सो ई एफ पैरेलल क्यू आर। सो बाय द कन्वर्स ऑफ थेज थ्योरम, तो ये स्टूडेंट्स ई एफ पैरेलल क्यू आर कैसे होगा स्टूडेंट्स, बाय द थेज थ्योरम, या इसको यहां लिख दी सो द बाय द कन्वर्स ऑफ थेज थ्योरम। ये हो जाएगा ई एफ पैरेलल क्यू आर। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स इन स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन फिगर इज गिवन ए बी पैरेलल पी क्यू। स्टूडेंट्स ये है ए बी और पी क्यू हमारे पैरेलल हैं। ए बी ये लाइन ए बी स्टूडेंट्स इस पी क्यू लाइन के पैरेलल है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। सॉल्यूशन तो अब स्टूडेंट्स हो जाएगा इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो देखिए स्टूडेंट इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में ए बी पैरेलल दिया है पी क्यू के। तो जब ये भी पैरेलल पी क्यू के है तो ये हो जाएगा ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू, देखिए इधर से चले थे हम तो ये होगा ओ बी अपॉन बी क्यू। क्रम का ध्यान रखना, अगर ऐसे आप जा रहे तो ऐसे जाओगे फिर। सो स्टूडेंट्स ये हो गया बाई थेज थ्योरम, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो है इन ट्रायंगल हम ले लेंगे पी ओ आर में, क्योंकि ए सी पैरेलल पी आर दिया है तो इन ट्रायंगल पी ओ आर। अब स्टूडेंट इसमें क्या है कि ए सी पैरेलल दी गई है पी आर की। अब इसमें हम ओ ए अपॉन ओ पी, ओ ए अपॉन ओ पी इक्वल टू ये हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर। तो ये स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन हो गई, ये भी हो जाएगा बाई थेज थ्योरम। इसमें भी स्टूडेंट्स हम लिखेंगे बाई थेज थ्योरम। अब स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, देखिए ओ ए अपॉन ए पी और यहाँ भी ओ ए अपॉन ए पी दिया है स्टूडेंट, तो ये दोनों इक्वल हैं तो इसलिए ओ बी अपॉन बी क्यू। तो ये हो जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब ध्यान से देखिए ये है ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो ये इस ट्रायंगल में है, किस ट्रायंगल का रेशियो है, ये दोनों रेशियो इक्वल हैं स्टूडेंट्स ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर इन ट्रायंगल क्यू ओ आर में। ये दोनों रेशियो हमें जो इक्वल मिले हैं वो इन ट्रायंगल क्यू ओ आर में मिले हैं स्टूडेंट्स।
सो बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये हो जाएगा स्टूडेंट बी सी पैरेलल जो है वो आ जाएगा क्यू आर के, और यही हमें इसमें शो करना था। अब स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया है यूजिंग थ्योरम 6.1 यानी थेल्स थ्योरम का यूज करके हमें स्टूडेंट ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट से होकर अगर कोई लाइन हम इसमें पैरेलल करते हैं तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। ट्रायंगल पैरेलल टू एनोदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी ये स्टूडेंट्स दिया गया है, ये इस तरीके से एक ट्रायंगल है देखिए। तो हमने ए बी सी, तो इसका हमने ये स्टूडेंट मिड पॉइंट ले लिया। अब इसके मिड पॉइंट से होकर के अगर एक लाइन हम बी सी के पैरेलल ड्रॉ करें तो वो ए सी को भी मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी स्टूडेंट्स। तो इसमें स्टूडेंट्स गिवन क्या है देखिए कि इन ट्रायंगल ए बी सी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई एफ पैरेलल बी सी। तो स्टूडेंट इसमें हमें टू प्रूफ क्या करना है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स कितनी आसानी से आपका सॉल्यूशन इसका आ जाएगा, ये प्रूफ है स्टूडेंट्स। अब इसमें हमें पता है स्टूडेंट्स कि ई एफ पैरेलल बी सी, सो ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी बाय थेल्स थ्योरम। अब स्टूडेंट्स ए ई इज इक्वल टू ई बी होगा, या हम ये कह सकते हैं कि ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू वन, क्यों, क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि ई जो है स्टूडेंट्स वो ए बी का मिड पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स ए ई अपॉन ई बी की वैल्यू वन हम इस वाले इक्वेशन में रख देंगे तो वन इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए स्टूडेंट्स तो ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। देखिए ये ए एफ और एफ सी इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि एफ ए एफ इज इक्वल टू ये लाइन इसके इक्वल आ गई स्टूडेंट्स। सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो स्टूडेंट एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट आ जाएगा।